हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्लिप्सिस यानी कि ग्रहण के बारे में। तो एक्लिप्सिस कितने तरह के होते हैं? एक हम पढ़ते हैं लूनर एक्लिप्स, एक पढ़ते हैं सोलर एक्लिप्स, मतलब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको न्यू मून एंड फुल मून की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने न्यू मून एंड फुल मून के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बेसिस यही था कि उसको पढ़ाने के बाद मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, सो दैट आपको न्यू मून फुल मून का अच्छे से पता हो, तभी आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आएगा। राइट, तो आपसे रिक्वेस्ट है पेपर पेन उठाएँ और अपने नोट्स मेंटेन करना अभी के अभी स्टार्ट करें। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण के बारे में। अकर्स ओनली ऑन अ फुल मून डे, ये सिर्फ फुल मून डे को होता है, मतलब पूर्णिमा वाले दिन होता है। राइट, अब फुल मून क्या होता है, न्यू मून क्या होता है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, जब अर्थ जो है वो सूर्य और चांद के बीच में आ जाती है, तब ये होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, डजंट अकर ऑन एवरी फुल मून डे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर एक पूर्णिमा को होगा। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं उन्हीं में ये होता है, हर एक फुल मून को नहीं होता है। द प्लेन ऑफ द मून्स ऑर्बिट इज टिल्टेड 5% विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ऑर्बिट। जो मून की ऑर्बिट है ना, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, ये थोड़ा टेढ़ा चलता है, इस तरह से है इसकी ऑर्बिट। ठीक है, कैन लास्ट अप टू 40 मिनट्स। अब जो लूनर एक्लिप्स है ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट तक रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। डजंट बिकम कम्प्लीटली डार्क। अब चंद्र ग्रहण है, इसका मतलब ये नहीं कि जो चांद है वो पूरा काला हो जाएगा, पूरा डार्क हो जाएगा, कम्प्लीटली डार्क नहीं होता है, बट बिकम्स रेडिश, रेडिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये अलग चीज़ है, रेडिश क्यों होता है, अब देखिए होता क्या है। हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो मून है ये अर्थ के चारों ओर घूमता है। ठीक है, मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। अब हमने ये भी पढ़ा कि मून जो है वो रॉक की सर्फेस से मिलकर बना हुआ है, इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है, तो ये चमकेगा भी नहीं। चमकती कौन सी चीज़ है जिसके पास अपनी हीट, अपनी गैसेज, अपनी लाइट हो, है ना। तो अब मून हमें कैसे दिखाई देता है आसमान में, क्योंकि सूर्य की लाइट, सनलाइट पड़ती है मून के ऊपर, ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है अर्थ में रहने वाले लोगों पे, और इसलिए हमें दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा है, लूनर एक्लिप्स में क्या हो रहा है, तीनों साथ में आ रहे हैं। अर्थ की वजह से, अर्थ की परछाई की वजह से पूरा मून ढक जा रहा है और हमें मून नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन होता क्या है, यहाँ से जो सनलाइट है और यहाँ से जो सनलाइट है वो मून की बाउंड्री वाला जो ये वाला पार्ट है, इस पर टच हो रही है, जिसकी वजह से जो रेड कलर है उसको, जो रेड कलर है वो लीस्ट स्कैटर्ड, यहाँ पे देखिए ये रेडिश क्यों हो जाता है, क्योंकि रेड कलर जो है वो लीस्ट स्कैटर्ड कलर है, मतलब स्कैटरिंग नहीं होती, सबसे कम फैलने वाला कलर है। हम विबग्योर पढ़ते हैं ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो इसमें वायलेट जो है सबसे ज़्यादा फैलता है और जो रेड है वो सबसे कम फैलता है। अब यही रीज़न है कि रेड लाइट क्या होती है कि रुकने का संकेत होती है, क्योंकि रेड लाइट सबसे कम फैलता है तो वो दूर से दिखाई दे जाता है कि रेड लाइट है आगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट आ रही है, ठीक है, वो वाइट लाइट में से रेड सबसे कम स्कैटर होने वाला कलर है, वाइट लाइट होती है ना सनलाइट, तो उसमें रेड को वो कैप्चर करेगा और हमें रेड दिखाई देती है। ऐसा लगता है ना कई बार ऐसा ऐसा चांद दिखाई दे रहा है, उसमें रेड 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 से लग रहा है, आपने देखा भी होगा रियल लाइफ में। ठीक है, ये हो गया लूनर एक्लिप्स। मैंने काफ़ी ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आपको समझ आया हो। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स माने सूर्य ग्रहण, बट इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज़ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। राइट, सो चलिए अब हम पढ़ते हैं सोलर एक्लिप्स के बारे में। तो सोलर एक्लिप्स कब होता है, अकर्स ओनली ऑन अ न्यू मून डे। जिस तरह से लूनर एक्लिप्स जो है फुल मून को होता है, सोलर एक्लिप्स जो है वो न्यू मून को होता है। न्यू मून मीन्स अमावस्या को होता है। ठीक है, व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच में जब मून आ जाता है तब सोलर एक्लिप्स होता है। कैसे होता है देखते हैं। बट नॉट ऑन एवरी न्यू मून डे, ऐसा नहीं कि हर एक पूर्णिमा को होगा ये। ठीक है, ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ मून्स ऑर्बिट। अब वही चीज़ है कि मून की जो ऑर्बिट है वो टेढ़ी है। ये मैं आपको टेढ़े वाला कंसेप्ट ही पहले समझा देती हूँ। वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, जहाँ मैंने न्यू मून फुल मून पढ़ाया था, वो मैंने इसीलिए पढ़ाया था कि आपको यहाँ पे ना समझाना पड़े। बट देखिए ये अर्थ है और हम सोचते हैं कि, अब देखिए यहाँ पर जैसे ये अर्थ है, हम सोचते हैं कि मून इस तरह से घूमता होगा, यहाँ मून है ये चुपचाप घूमता है इस तरह से, नहीं ऐसा नहीं होता, ये टेढ़ा घूमता है। ये एक्सिस है अर्थ की, ठीक है, और यहाँ मून घूमता है, इस तरह से घूमता है वो, इस तरह से। और सन होता है हमारा यहाँ पे। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जब मून यहाँ पे होता है, एक सिचुएशन ऐसी आती है जब मून यहाँ पे होता है। ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये जैसे कि रफ सा आइडिया दिया मैंने आपको कि बार बार बोल रहे हैं ना हम इनक्लाइंड है, टेढ़ी है, टेढ़ी है। तो वो ऐसी टेढ़ी है, ऐसी होनी चाहिए थी, तब तीनों सीधी लाइन में आते, बट ये ऐसी है। ठीक है, फाइन। सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ रहे थे हम। इट कैन बी पार्शियल और टोटल, पार्शियल भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है। चलिए थियोरटिकल पार्ट पढ़ लिया, अब थोड़ा सा डायग्राम की तरफ आते हैं। ये हमारे सूर्य है, अर्थ है, मून है। हमने जाना जब मून बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। कैसे होगा? अब सूर्य की रोशनी यहाँ से पड़ रही है, तो जो ये वाला पार्ट है, जो चांद के पीछे वाला पार्ट है, वहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल डार्क हो जाएगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और जो ये वाला पार्ट है, देखिए जो आप देख रहे हैं अम्बरा, यहाँ बिल्कुल इस पॉइंट पे जो लोग हैं ना, उनको बिल्कुल सूर्य दिखाई नहीं देगा, मतलब बिल्कुल भी नहीं। और जो इसके अलावा ये वाला पार्ट है जिसे पिनम्बरा कहते हैं, यहाँ पे जो सूर्य होगा वो ऐसे लाइन के फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया हो। आपको कोई डाउट नहीं रहा है? कोई भी डाउट है जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, फिर हम देखते हैं कुछ और हो सकता है, उसके लिए कोई और वीडियो बन सकती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए ऐसा ही। इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से लिंक पे क्लिक करें और मुझे अभी के अभी फॉलो करें। प्लस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ आया है, आपको कोई डाउट नहीं है। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं दे सकते हैं। प्लस मुझे ये ज़रूर बताएँ कि आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, और आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।